नमस्ते, आप सभी का स्वागत है रोशनी की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही, देखिए चीला रोटी, ये नए चावल का है। इसको आटा चक्की में पिसवा लिए हैं चावल को, देखिए आटा बन गया है। अब इसका मैं बनाने जा रही हूँ चीला रोटी। देखिए इसमें एक चम्मच के करीब मैं नमक डाल रही हूँ। अब इसमें नॉर्मल पानी है, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिलाते जाएंगे। मैं इधर गैस को ऑन कर लेती हूँ, तावा को चढ़ा लेते हैं हम लोग अपना, तब तक गर्म होते रहेगा। इधर देखिए आटा को ऐसी हाथ से आपको अच्छे से गुठली वगैरह हो जाता है आटा, सबको को पानी डाल डाल के एक अच्छा आटा पतला तैयार कर लेना है। देखिए अब हमारा आटा रेडी हो गया है। इसको आप देखिए इतना ही पतला आपको करना है। आप और ज़्यादा पतला करेंगे तो भी अच्छा है, ये बिगड़ता नहीं, बन ही जाता है। और जितना आप पतला इसको करेंगे आपका चीला उतना ही अच्छा जालीदार बनेगा। देखिए मेरा तावा इधर गर्म हो गया है, मैं इसमें तेल डाल लेती हूँ थोड़ा सा। तावे में डाल लेते हैं चीला को। इसी प्रकार फैला फैला के आप भी बनाइएगा और इसको एक ढक्कन से ढक दीजिए। इससे चीला मुलायम रहता है और चिपकता भी नहीं है, आसानी से पलट जाता है। देखिए अब चीला को पलटा लेते हैं, एक साइड से पक गए हैं, इस साइड को थोड़ा और पका लेते हैं। पलटाने के बाद दूसरे साइड को मत ढकिएगा। देखिए चीला रेडी हो गया, अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देखिए कितना हमारा चीला अच्छा बना है, जालीदार बना है। देखिए ये बहुत ही अच्छा बन जाता है। अब ऐसे करके सभी चीलों को बना लेते हैं। देखिए हमारा चीला बन के रेडी हो गया है। अब ये बहुत ही जालीदार बना है। देखिए और ये हमारा इसके लिए चटनी बना है टमाटर का सील में। आप कोई भी चटनी में खा सकते हैं, पर ये वाले चटनी में ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए कितना कड़क है, कितना वो है, जालीदार मुलायम बना है, बहुत ही अच्छा बना है। बहुत ही अच्छा स्वाद है इसका। आप भी बनाइए, अपने परिवार को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, बहुत ही हेल्दी है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ का है चीला रोटी। और अगर यह रेसिपी आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।